स्टूडेंट्स, आई एम योर पंजाबी टीचर। बच्चों, आज असी पाठ 3 बुद्धिमान बालक पढ़ांगे। ये पाठ मास्टर सावन सिंह अंकावली जी की रचना है। बच्चों, तुसी इस लैसन नू बड़े ही ध्यान नाल सुनना है। वेखो, जिवें कि नाम तो ही स्पष्ट हो रहा है, बुद्धिमान बालक। इस विच एक बालक है जिसने अपनी तेज बुद्धि का परिचय देंदे हुए अपने पिता की सहायता किवें की, उस बारे ये रचना है। चलो शुरू करने हैं इस पाठ नू। एक दिन बीरबल अपने घर जा रहा सी। उसने पाटे पुराने कपड़ियां विच एक बच्चे नू देखिया। ओ बच्चा एक रुख हेठा छां विच बैठा छोले खा रहा सी। ओ बच्चा अपने मुँह विच एक एक दाना पा रहा सी। ए देख के बीरबल बड़ा हैरान होया। बीरबल ने बड़े अचरज नाल पुछिया, बेटा तू एक एक दाना मुँह विच क्यों पा रहा है? बच्चा बोलिया, श्रीमान जी, मैं कई दिनों का भुखा हाँ, अज मैनू ये थोड़े जे छोले मिले हैं। मैं इन्हों इको दम खा जावगा तो मेरा समा किमें लंघेगा? बेसहारा बच्चे का बुद्धिपूर्ण उत्तर सुन के बीरबल बहुत खुश होया अते उसनू अपने घर लै आया। उसकी अपने पुत्र वांग देखभाल करन लग्या। एक दिन बादशाह अकबर अते बीरबल दरमियान विचार चर्चा चल रही सी। बादशाह अकबर ने बीरबल नू सवाल किया, बीरबल, संसार दी सब तो वड्डी वस्तु की है? बीरबल उसका उत्तर ना दे सकिया। उसने इस प्रश्न का उत्तर देन लई एक हफ्ते का समा मंगया अते घर आ गया। घर आ के बीरबल ने बहुत सोचिया पर इस प्रश्न का उत्तर ना मिलिया। इस तरह सोचते सोचते हफ्ता पूरा होन च सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। बीरबल नू फिक्रमंद देख के उस बच्चे ने पूछिया, पिता जी, आप फिक्रमंद क्यों हो? बीरबल ने अपनी समस्या दसी। प्रश्न सुन के बालक बोलिया, पिता जी, आप चिंता ना करो, बादशाह नू कह देना कि बुद्धि सब तो वड्डी वस्तु है, संसार दे वड्डे तो वड्डे काम बुद्धि नाल ही हुंदे हन। अगले दिन बीरबल ने अकबर दे पास जा के उस दे पुछे हुए प्रश्न का उत्तर दे दिता कि बुद्धि ही सब तो वड्डी वस्तु है। बादशाह बहुत खुश होया। उसने तुरंत एक होर प्रश्न कर दिता, अच्छा ये दसो कि बुद्धि का भोजन की है? जे उसका उत्तर 2 हफ्ते च ना दिता गया तो तैनू मौत की सज़ा दिती जाएगी। बीरबल सामने फिर समस्या खड़ी हो गई। वो घर आ गया। बालक ने बीरबल नू उदास देख के समझिया कि बादशाह नू जवाब पसंद नहीं आया। बालक दुखी होके बोलिया, पिता जी, कि बादशाह नू उत्तर पसंद नहीं आया जिस करके आप उदास हो? बीरबल ने बच्चे नू बादशाह दा दूजा प्रश्न दसिया। बच्चे ने तुरंत उत्तर सुझिया ते उसने बीरबल नू कहा, बुद्धि चिंता खांदी है, जड़े बुद्धिमान होन उही चिंता करदे हन, बुद्धिहीन लोग निश्चिंत रहिंदे हन। बीरबल ने अपने पुत्र नू शाबाशी दित्ती अते बादशाह दे पास जाके दूजे प्रश्न का उत्तर दे दिता। बादशाह फिर बहुत प्रसन्न होया, खुश होया। बादशाह बोलिया, चंगा, जाओ अते ए पता करो कि बुद्धि की पींदी है। फिर फिकर च पै गया, वो सोच विच पै गया कि पहले 2 प्रश्नों के उत्तर उस बालक ने दे दिते पर जे इस दा उत्तर ना दे सकिया तो फिर की होएगा। ये सोच विचार के डुबिया होया बीरबल जद घर पहुँचया तो बालक ने फिर पूछया, पिता जी, हुन की होया है? बीरबल ने बादशाह दे एक होर प्रश्न बारे दसिया तो बालक बोलिया, बुद्धि क्रोध नू पी जाती है, बुद्धिमान मनुख ही क्रोध पी सकता है, निर्बुद्धि तां गल गल ते क्रोधवान हो जाता है। बीरबल ने इसका उत्तर जाके अकबर नू दसिया तो वह ये जवाब सुन के बहुत खुश होया अते बीरबल नू बहुत सारा इनाम भी दिता। बीरबल घर जान लग्या तो बादशाह ने उसनू वापस बुला लिया ते कहा, तू मेरे 3 प्रश्नों के जवाब तो सही दे दिते हन, बस एक आखिरी सवाल का उत्तर भी दे के चले जाना। बीरबल बोलिया, बादशाह, किस सवाल का जवाब? अकबर ने सवाल किया, बुद्धि का रूप की है? बीरबल ने बादशाह नू कहा, इस सवाल का उत्तर मेरा बेटा देवेगा। अगले दिन बीरबल अपने पुत्र नू लैके बादशाह दे दरबार पहुँच गया। अकबर ने उस बच्चे तो पूछया कि तेरे पासे मेरे सवाल का जवाब है? बच्चे ने पूरे हौसले नाल उत्तर दिता, बादशाह, इस सवाल का जवाब जानने लई तुहानू मेरा शिष्य बनना पएगा। अकबर ने उस बच्चे की गल मन ली। बच्चे ने कहा, बादशाह, उत्तर जानने लई आप तखत तो हेठा आओ तो मैनू इत्थे बैठन दिओ।
अकबर तुरंत गद्दी तो हेठा आ गया। बालक हसदा होया बोलिया, बादशाह हुण तां तुसीं बुद्धि दा रूप देख लिया होएगा। वह बालक अपनी गल पूरी करदा होया बोलिया, बादशाह किसे नूं उपर चुकना अते हेठा डेगना यह सब बुद्धि दी ही करामात है। बुद्धि दे बल करके मैं राजगद्दी ते बैठ गया ते आप मेरी थां ते खड़े हो। बालक दी तेज बुद्धि ते बादशाह बहुत खुश होया ते उसने बहुत सारा इनाम दिता। फ्रेंड्स, इस पाठ तो सानू की सिक्ख्या मिलती है? इस पाठ तो सानू ये सीखन नू मिलिया है कि संसार दी सब तो वड्डी वस्तु बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि नाल सारे काम कीते जा सकते हैं। एक बुद्धिमान मनुख ही सारी प्रॉब्लम्स दा सल्यूशन कढ़दा है, हर मुश्किल दा हल कढ़दा है ते क्रोध नहीं करदा, क्योंकि क्रोध करन नाल असी अपने कम्मां च सफल नहीं हो सकते। इस करके की करना चाहिदा है मनुख नू, सानू की करना चाहिदा है? बुद्धि नाल सारे काम करने चाहिए हन ते नालों नाल इस संसार दे भले विच अपना योगदान देना चाहिए है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।